आज दोपहर में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र का फर्जी एनसीबी ऑफिसर खनियारा से गिरफ्तार। एसडीएम से मिले प्रधान उप प्रधान, नुकसान की एस्टीमेट की सीमा बढ़ाने का आग्रह। हरियाणा की गाड़ी से चिट्टा बरामद, तस्कर गिरफ्तार। सरकार की योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाएंगे जिला कल्याण अधिकारी। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस ने धर्मशाला के खनियारा से महाराष्ट्र के एक नकली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का आईपीएस ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। आरोपी विवेक हीरा सिंह राठौर नकली आईपीएस एनसीबी अधिकारी मिशन को अंजाम देने के लिए धर्मशाला के कचहरी में एक बर्गर कंपनी में 3 अगस्त से काम कर रहा था। शक होने पर बर्गर कंपनी के मालिक ने धर्मशाला थाना में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस की जांच में आरोपी व्यक्ति से एक संदिग्ध बाइक व कार, नकली एनसीबी अधिकारी का आई कार्ड, पिस्टल पाउच व वॉकी टॉकी भी प्राप्त किया है। आरोपी को खनियारा से गिरफ्तार किया गया है, जो कि किराए का कमरा लेकर रह रहा था। सूचना के अनुसार पिछले एक साल से आरोपी हिमाचल प्रदेश में ही नकली अधिकारी बनकर रह रहा है। इस दौरान उसने चर्स तस्करों को निशाना बनाकर सामान खुद बेचने का भी काम किया है। करसोग प्रधान परिषद के विभिन्न पंचायतों से प्रधान उप प्रधान व सदस्य सोमवार को उपमंडल अधिकारी नागरिक कपिल तोमर से मिले। उन्होंने मांग रखी कि करसोग क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की प्राकलन सीमा खंड विकास कार्यालय करसोग द्वारा 50,000 रूपए सीमित कही जा रही है, जबकि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की प्राकलन सीमा 1,00,000 रूपए तक निर्धारित की गई है, जिसके चलते पंचायत में तैनात संबंधित कर्मियों को प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान से संबंधित 1,00,000 रूपए तक के नुकसान के प्राकलन तैयार करने के संबंधी दिशा निर्देश दिए जाएं। पंचायत प्रधानों द्वारा यह ज्ञापन जिला उपायुक्त मंडी को भेजा गया, जिसमें यह भी मांग रखी गई कि प्राकृतिक आपदा के कार्यों की सीमा नहीं रखी जानी चाहिए। पंचायत प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि जिला उपायुक्त द्वारा इन मामलों पर जल्द से जल्द उचित दिशा निर्देश देते हुए राहत प्रदान की। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तेनु रब मने। सेमीफाइनल्स जल्द। पहला सेमीफाइनल होगा हिमानी होटल सोलन में 14 सितंबर 2023 को। दूसरा सेमीफाइनल पालमपुर के केएलबी कॉलेज में 17 सितंबर 2023 को होगा। पहला नया प्यार है, नया इंतजार। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। कुल्लू पुलिस ने चिट्टे के साथ एक हरियाणा के एक व्यक्ति को धर दबोचा है। यह युवक चिट्टा लेकर कुल्लू आया था। एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि रविवार को पुलिस थाना कुल्लू की टीम ने गश्त व नाकाबंदी के दौरान भेखली रोड में हरियाणा की गाड़ी को नियमानुसार चेक किया। इस दौरान गाड़ी में सवार व्यक्ति से 23 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि चिट्टे के साथ पकड़े गए युवक की पहचान 34 वर्षीय वजीर निवासी सोनीपत के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना कुल्लू में मामला दर्ज किया गया है। गाड़ी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। गिरधारी लाल शर्मा ने कुल्लू में बतौर जिला कल्याण अधिकारी कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से आम जनता के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, उन्हें हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने की प्राथमिकता रहेगी। फील्ड के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके इस दिशा में काम किया जाएगा, ताकि पात्र लोगों को पेंशन सहित अन्य दूसरी सुविधाएं समय पर मुहैया हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार की सुख आश्रय योजना के तहत पात्रता रखने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा।